नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर अलीगंज एटा से। ग्राम लुखरया थाना जसरतपुर जिला एटा के रविंद्र सिंह की पतंजलि की दुकान अलीगंज किला रोड पर थी, जिसे मकान मालिक उमेश चंद्र, उसकी पत्नी मीरा देवी और दो साले चार लोगों ने पुलिस और विधायक से सलाह लेकर कि मंगलवार को अलीगंज मार्केट बंद रहता है, इसलिए सोमवार की रात दिनांक 23 नवंबर 2020 को पीछे की दीवार तोड़कर सारा सामान और उसमें रखे रुपए निकाल लिए। रविंद्र सिंह को अलीगंज के एक आदमी ने फोन पर अवगत कराया कि तुम्हारी दुकान लूटी जा रही है। रविंद्र सिंह ने जाकर 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस ने आकर देखा तो विपक्षी लोगों ने तमंचा निकाल कर दिखाया। पुलिस रविंद्र सिंह व उनके साथी को थाने ले गई। थाने पहुंच कर जब थाना अध्यक्ष ने रविंद्र सिंह से कहा कि अभी आप वारदात मौके पर चलिए, तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि आप बैठिए, विधायक जी आ रहे हैं, वह आपका फैसला करेंगे। इसे यह पता चलता है कि चोर माल लूट रहे हैं और पुलिस विधायक को सारी कहानी पता है। कोतवाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रही चोरों की मदद, जिससे पुलिस भी नहीं कर रही पीड़ित की FIR दर्ज। पीड़ित भटक रहे दर दर। इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अच्छे दिन आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के मिशन को इस तरह कर रहे हैं नाकामयाब। चोरों को गुंडों की नेताओं और पुलिस से अच्छी मिली भगत। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटेगा। क्या इस तरह भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? अगर यही होता रहा तो किस तरह लोगों को न्याय मिलेगा, किस तरह भ्रष्टाचार मिटेगा? एटा स्टेट ब्यूरो, अनिल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।